तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट गागा का एक लाइट वर्जन बताने वाला हूँ जिसमें आप जो फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स गेम को प्ले कर पाओगे। तो अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है जिसमें 4 GB और डुअल कोर वाला प्रोसेसर लगा हुआ है तो आप जो इजीली सिमुलेटर को अपने लो एंड पीसी में इंस्टॉल करके इसमें फ्री फायर गेम को प्ले कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको जो इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, सब कुछ जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप जो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं आपको एमुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड डाउनलोड कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको जो इसको इंस्टॉल कर लेना है, तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। एंड जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर एक कुछ स्पीकर का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ये फाइल लोकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ये जो बाई डिफॉल्ट आपके लोकल डायरेक्टरी में इंस्टॉल होगा। एंड अगर आप इसे और किसी फाइल लोकेशन में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप जो यहाँ पर ब्राउजर पर क्लिक करके यहाँ से जो फाइल लोकेशन चेंज कर सकते हो। एंड फाइल लोकेशन सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो ये एमुलेटर इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ सेकंड तक वेट करना है, यहाँ पर जो ये इंस्टॉल हो जाएगा। एंड जैसे ही यहाँ पर ये एमुलेटर इंस्टॉल हो जाएगा तो अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पर जिस पीसी में जाना है एंड आपने जिस भी फोल्डर में इस एमुलेटर को इंस्टॉल किया था आपको उस वाले फोल्डर में चले जाना है। तो यहाँ पर ये रहा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर इंजन वाले फोल्डर में जाना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड आना है। तो यहाँ पर आपको जो ये इसकी लॉन्चर फाइल मिल जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो इसको डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर जो ये डेस्कटॉप पर इसका एक शॉर्टकट आ जाएगा। एंड उसके बाद अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर एमुलेटर को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप एमुलेटर को ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको जो यहाँ पर इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये एमुलेटर ओपन हो चुका है। एंड उसके बाद अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर सेटिंग में जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर इसका एंड्रॉइड वर्जन देखोगे तो यहाँ पर आपको जो एंड्रॉइड वर्जन 7.1.2 देखने को मिल जाता है, जो कि लो एंड पीसी के लिए एकदम बेस्ट है। एंड इसमें आप फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स गेम दोनों गेम को प्ले कर पाओगे। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पर ये बिल्ड नंबर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर 2 से 3 बार टैप करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो ये डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में जाना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ये विंडो एनिमेशन स्केल मिलेंगे, तो आपको जो इन तीनों को ऑफ कर देना है। एंड उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फ्री फायर गेम को इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो इस वाली एपीके फाइल को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर जो ही एपीके फाइल इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो आपको यहाँ पर वेट करना है, यहाँ पर जो है इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि अगर आपका फ्री फायर का अकाउंट फेसबुक से बना हुआ है तो आपको यहाँ पर ब्राउजर पर जाना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है फेसबुक लॉगिन। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर फेसबुक लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। एंड उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर गेम को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो ये गेम ओपन हो जाएगा एंड इसमें आपको जो कोई भी एरर वगैरह नहीं आएगा, इजिली जो है यहाँ पर ये गेम ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है गेम ओपन हो चुका है एंड अब आप जो इसमें इजीली गेम को प्ले कर सकते हो। एंड उसके बाद इसकी बेस्ट सेटिंग की बात की जाए तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पर एडवांस में जाना है एंड यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो अपने पीसी के हिसाब से कोई भी एक रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपका पीसी लो एंड पीसी है तो आपको जो यहाँ पर सबसे कम रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना है, ये जो है लो एंड पीसी के लिए एकदम बेस्ट है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सीपीयू कोर में 1 कोर सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर रैम में 2 GB रैम सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद अगर आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड है तो आप यहाँ पर ओपन जीएल को सेलेक्ट कर लेना एंड ग्राफिक कार्ड नहीं है तो डायरेक्ट एक्स को सेलेक्ट कर लेना। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको एक बार एमुलेटर को रिबूट कर लेना है ताकि यहाँ पर ये जो भी सेटिंग आपने यहाँ पर की थी वो जो अप्लाई हो जाए। एंड एमुलेटर रिस्टार्ट हो जाने के बाद अब आप जो इसमें इजीली गेम को प्ले कर सकते हो, इसमें आपको जो कोई भी एरर वगैरह नहीं आएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।